हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम एक, एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जहां पर एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाई देता है उसका बिजनेस मॉडल अच्छा खासा दिखाई देता है और जब बात हो रही है यहां पर ओपनिंग अप की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो रही है कोविड यहाँ पर खत्म हो रहा है किसी तरीके का यहाँ पर वेव आने का कोई खतरा नहीं है सबको वैक्सीनेशन लग चुका है और अगल और जैसे पहले भारत चल रहा था उसी तरीके से भारत अगेन चलने लगेगा इंडिया उसी तरीके से ग्रोथ करेगा सब कुछ ओपन अप हो जाएगा तो ये शेयर अगर उसी ट्रेंड में चल के अच्छा खासा यहां पर आपको पैसे कमा के दे सकता है तो कौन सा शेयर है आपने नाम यहां पर देख ही लिया है उस शेयर का नाम है बी एल एस इंटरनेशनल सर्विसेज इससे रिलेटेड हम यहां पर बात करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को जो कि आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइक को हिट कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप सबसे पहले आपको वीडियो मिले और आप वीडियो को देखिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए कोई क्वेरीज हो कमेंट करिए और हर एक वीडियो को लाइक करिए और दूसरे वीडियो देखे, देखे, एक भी बहुत सारे ट्रेड दिए थे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दिए तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करना है ताकि आप यहाँ पर से केवल सीख सके यहाँ पर कोई भी चीजें हम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप तुरंत जाके ले लीजिए चीजों को समझिए खुद की स्टडी करिए आपको चीजें अच्छी लगे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आपको उस बिजनेस पे बिलीव है तो आप ऑब्वियसली बात है एट दैट टाइम यू कैन गो ही बट आपको खुद की स्टडी और फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी डेफिनेटली जरूरी है और ये पर्टिकुलर नंबर्स दे रखे हैं अभी नंबर यहां पर आपको दिख जाएंगे ओके यहाँ पर इन नंबरों पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ सकते हैं ये पर्टिकुलर नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कांटेक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विस स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशन ट्रेडिंग एज वेल एज इंटरडे से रिलेटेड भी हम यहाँ पर बातें करते हैं तो यहाँ पर आप हमने कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जो बिजनेस में है कोई यहाँ पर अगर हम बात करें जो जॉब पर है जो मार्केट में ध्यान नहीं दे सकते स्टूडेंट हो गए यहां पर हाउस वाइफ हो गई कोई भी यहां पर है तो यहां पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम जिस स्टॉक से रिलेटिव बातें करने जा रहे हैं उसका नाम है बी सबसे पहले कुछ चीजों से रिलेटिव बातें करेंगे डिविडेंड देखिए कंपनी का डिविडेंड बीस में यहाँ पर लगभग एक रुपए दिया इसने फिर पच्चीस पैसे और एक का डिविडेंड तो अभी अभी मैं ही कंपनी ने दे दिया है तो कंपनी डिविडेंड देने वाली भी है स्प्लिट की बात करें तो दस का फेस वैल्यू एक हजार सत्रह में कंपनी एक बार यहाँ पर स्प्लिट भी दे चुकी है एज वेल

बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है तो बी एल एस इंटरनेशनल की अगर हम बात करें ए पार्ट ऑफ द फोर डेकेड्स ओल्ड बी एल एस ग्रुप ओके यहाँ पर चार चालीस साल से ओके okay, यहाँ पर एक कंपनी है बी ग्रुप उसका एक पार्ट है विदा ग्लोबल प्रेजेंस तो यहाँ पर इंडिया में ही नहीं ग्लोबल मतलब ग्लोबली काम करता है डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अलग अलग इनकी सर्विसेज है काउंट्स अमंग द टॉप थ्री ग्लोबल प्लेयर इन द वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग विद द प्रेजेंस इन वीजा पासपोर्ट कंसलर एज काउंसलर एज वेल एज सिटीजन सर्विसेज विद सिक्स कंट्रीज एंड थर्टी गवर्नमेंट क्लाइंट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू टू थ्री टू फाइव ऑफिस वर्ल्ड वाइड तो इनके देखिए इतने सारे तो ऑफिसज तो एक सौ पच्चीस यहां पर ऑफिसेस हैं थर्टी सिक्स गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं इनके एंड uh, अगर बात करें सर्विसेज विद सिक्सटी कंट्रीज के साथ यहाँ पर एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है कंपनी करती क्या है आप लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए किसी भी चीज के लिए तो यहाँ पर वो वीजा जो एप्लीकेशन लग लगती है जो वीजा यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम है पासपोर्ट से रिलेटेड जो काम है वो ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है जिसका नाम है बी इंटरनेशनल तो यहाँ पर जैसे जैसे अनलॉकिंग की बातें हो रही है ओके तो अनलॉकिंग हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर वीजा का वीजा का काम ज्यादा होता हुआ

आ, वीजा से रिलेटेड यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर देख सकते हैं वीजा प्रोसेस सर्विस इन द नीज अंटर यहाँ पर इन्होंने काम करते के दिखाया था तो यहाँ पर बी से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पर जाइए लीडर इन टैकल वीजा काउंसिलर एंड सिटीजन सर्विसेस यहाँ पर ये कंपनी काम करती है विजा से रिलेटेड यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट में जाइए आई एम अप्लाइंग फॉर कंट्री जहाँ पर जाना है ओके okay, कहा से जाना है यहाँ पर डालिए और सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे कहा से कि यहाँ पर कमेंट भी है मैसेज फ्रॉम द जेएमडी ओके मिस्टर शिखर अग्रवाल से यहाँ पर इन्होंने बता रखा वी है एडवाइज इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड इन गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज स्पेशलाइजिंग इन वीजा पासपोर्ट एंड काउंसिलर आउटसोर्सिंग विद इन द स्पेन ऑफ अ लिटिल ओवर ओवर फोर डिकेड्स वी हैव ग्रोन टू सर्विस यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी दिखाई देती है तो यहाँ पर सबसे बात कर चुके हैं बायोमेट्रिक ई वीजा रिटेल सर्विसेज में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है तो कंपनी अच्छी खासी है और यहाँ पर देखे तो द दे कंपनी इज एज दंपनी बेस्ट अ, अ, अंडर अ बिलियन uh, कंपनी बाई फोर्ब्स एशिया एंड इज अमोंग फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट फाइव तो नेक्स्ट फाइव कंपनीज जो फॉर्च्यून की एक तो फाइव की कंपनी है ओके जिसमें uh, बड़े बड़ी कंपनीज आती है जैसे कि हम uh, हम बात करें यहाँ पर फेसबुक एज वेल एज एमेजोन माइक्रोसॉफ्ट ओके okay, uh, यहां पर गूगल उसके अलावा जो नेक्स्ट 500 हंड्रेड कंपनीज है उसमें इस कंपनी का नाम आता है तो एक बड़ी कंपनी है छोटी मोटी कंपनी नहीं है एमंग टॉप थ्री प्लेयर वीजा यहां पर अगर बात करें यहां पर टॉप थ्री प्लेयर्स में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है वीजा पासपोर्ट में सोलर सिक्सटीन ईयर्स ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस है इंडिया की नहीं ग्लोबल की बात कर रहे हैं फोर्टी सिक्स क्लाइंट गवर्नमेंट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब ओके वो वो सब कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे क्लाइंट गवर्नमेंट यहां पर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब यहां पर इनके फोर्टी सिक्स है 53 कंट्रीज में ऑपरेशनल है इसके अलावा 15,000 थाउजेंड यहाँ पर एम्प्लॉइज है ऑन रोल में एसोसिएट्स और ट्वेल्वेंड वर्किंग फॉर गवर्नमेंट एंड पर टोटल एप्लीकेशन डेट मतलब आज तक फिफ्टी टू मिलियन लगभग पांच करोड़ बीस लाख यहां पर इन्होंने सॉल्व कर दिया तो अच्छा खासा बिजनेस नजर आता है ग्लोबल रीच है बिजनेस इंटीग्रिटी है काफी साल पुराना

बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की अब मार्केट कैप चौबीस देखिए स्मॉल कैप कंपनी है और ऐसी ही कंपनी आगे चल के जब ये नेक्स्ट 500 हंड्रेड ग्लोबल फॉर्चून में काम करती है तो आगे चल के फाइव में अगर इंक्लूड हो जाती है तो यहाँ पर चीजें बदलती हुई नजर आएगी चौबीस करोड़ का मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी कम मिट कैप में चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा एक बेहतरीन कंपनी पी चौबीस इंडस्ट्री का पी बत्तीस तो यहाँ पर सस्ती नजर आती है आर ओ सी आर ओई ग्यारह के आसपास है डेट की बात करें जीरो का यहाँ पर डेट है मतलब कोई भी डेट नहीं है कंपनी डेट फ्री है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का यहाँ पर आ, यहाँ पर 309 से दो पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है एक ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है एक का फेस वैल्यू है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर 2016 में आया उसके बाद एक अच्छी खासी ग्रोथ और यहाँ पर चीजें यहाँ पर आ, अगर हम बात करें यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी एक गिरावट भी होती हुई दिखाई दी क्यों क्योंकि यहाँ पर पूरा पैंडमिक का असर आता हुआ दिखाई दिया बट जैसे ऐसे ओपन अप हो रहा है कंपनी यहाँ पर अपने पहले बिजनेस की तरफ जा रही है और जैसी बिजनेस की तरफ जाएगी तो यहाँ पर और अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं कुछ रिजल्ट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स की बात करें तो देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर सेल्स कर रही थी दो तक ओके यहाँ पर अच्छा खासा सेल्स थी फिर उसके बाद दो आया बिल्कुल से इनकी ठप होती हुई दिखाई दी बट जैसे ऐसे ओपन अप हो रहा है धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है और अभी दो करोड़ की जो कि यहाँ पर जून दो में थी वो सेल्स पे पहुँच गए हैं प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर अट्ठाइस करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई है जो कि कभी भी पिछले बारह महीने में बारह क्वार्टर में बारह अगर बात करें वो होता बारह तिमाही में यहाँ पर कंपनी में कभी भी इस तरीके का प्रॉफिट नहीं हुआ और ये प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर अच्छा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा गिरावट है बट ईयरली बेसिस पर से हो गया है तो दिस इज द पॉजिटिविटी विच इज शोइंग बाई चल के जैसे ऐसे ओपन अप होगा ये इनका बिजनेस और यहाँ पर गेयर अप होता हुआ नजर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की सेल्स लगातार चार सौ पचास से पांच सौ पांच फिर छह सौ पैंतीस फिर सेवन एटी नाइन फिर एट जीरो फोर फिर दो हजार बीस और इक्कीस में आपको पता ही है पेंडमिक आया और फिर कौन वीज़ा करा रहा है कौन पासपोर्ट करा रहा है फिर सब इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बट अभी कुछ दिन पहले मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था भीड़ लगी हुई थी और, में। और ये दो आ, 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 बढ़ती हुई कभी भी नजर आ सकती है और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो हजार उन्नीस में एक सौ पांच करोड़ का प्रॉफिट था पिछले बारह महीने में एक सौ करोड़ का प्रॉफिट है केवल पांच करोड़ ही पीछे और जैसे है दोबारा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई

की होल्डिंग एज चीज से पता चलता है कम करी और दोबारा होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर दिया वन पॉइंट डीआईस की बात करें कोई डीआईएस यहाँ पर नहीं है डीआईएस मोस्टली यहाँ पर टेन से ज्यादा की कंपनी होती है करोड़ रुपीज की कंपनी होती है तब यहां पर इन्वेस्ट करते हैं बट स्टिल यहाँ पर जब यहाँ पर कंपनी भागती हुई नजर आएगी तो टी आई एस बी आएंगे पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास शेयर घट रहे याद रखिए थ्री फिफ्टी थ्री सिक्स होते हुए नजर आ रहे हैं मतलब कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें ट्वेंटी थ्री में भी बड़े बड़े लोग आपको नजर आएंगे तो यहाँ पर बी एल एस से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें हो गई तो कंपनी जैसे जैसे ओपन अप होगी यहाँ पर चीजें यहाँ पर अच्छी खासी नजर आएगी अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न की तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से यहाँ पर अच्छे खासा यहाँ पर पहले दिखा रही थी ओके okay, ग्रोथ दिखाने के बाद चीजें यहां पर एक साथ नीचे ड्रास्टिकली नीचे आती हुई दिखाई दी अब यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि शॉर्ट टर्म में ही बात करेंगे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे और यहाँ पर शेयर यहाँ पर फिफ्टी डीएमए के आसपास यहाँ पर देखिए मूव करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ी बहुत चीजें की गिरावट की बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो चीजें यहाँ पर आ, आ सकती है यहाँ तक के लिए तैयार रहिएगा 184 मतलब कितना लगभग यहाँ पर पचास रुपए के आसपास ये शेयर यहाँ पर गिर सकता है तो इसके लिए तैयार रहिएगा सबसे लास्ट का आपको सपोर्ट बता रहा हूँ इसके बाद की अगर इससे पहले का सपोर्ट की बात करूँ तो ये शेयर 220 लगभग लगभग पंद्रह रुपए तक और गिर सकता है तो पंद्रह रुपए की गिरावट जंप की बात करें तो अगर ये शेयर यहाँ तक भी जाता है तो आपको सीधे सीधे 11 से 12 परसेंट के यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं तो इसका यहाँ का हाई है बट यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और बनता हुआ नजर आ रहा है जैसे हम यहाँ पर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपको चीजें समझ में आएगी एक यहाँ पर कप ओके okay, कब बनाने का दी एक हैंडल और यहाँ से चीजें जब ऊपर निकलेगी तो एक टारगेट निकलेगा जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना तीन सौ इक्यासी रुपए के आसपास का जो कि कितना है यहाँ पर फोर्टी सिक्स यहाँ पर दिखा रहा है बट यहाँ पर से थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती हुई दिखाई देगी तो लगभग फिफ्टी परसेंट के आसपास फोर्टी सिक्स प्लस में यहाँ पर इलेवन परसेंट तो ऑब्वियस सी बात है ये लगभग फिफ्टी प्लस परसेंट के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं बट इसे एक एक करके यहाँ पर क्रॉस करना होगा सबसे पहला लेवल तो यही है इसका जब तक ये टू फिफ्टी को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये नहीं जा रहा फिर टू हो गया फिर इसके बाद ये लेवल हो गया जिसकी बात हम ब्रेकआउट हो गए तब हम यहाँ पर बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की जिसमें ट्रेडिंग की तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है और जो कि यहाँ पर काफी टाइम बाद यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है एक बार मैं इसकी सारी की सारी ड्रॉइंग यहाँ पर हटा देता हूँ तो आपको और समझ में आएगी यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न शॉर्ट टर्म टारगेट आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है अब लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर तो नहीं यहाँ पर हम बात करेंगे कप पैटर्न की ओके वो बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एक कप बनाया इसने कप बनाने के बाद यहाँ पर इसने ये हैंडल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसके बाद चीजें ऊपर जाएगी एक साथ चीजें ऊपर नहीं जाएगी बट जैसे जैसे ओपन अप हो रहा है इनका बिजनेस ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा चल रहा होगा ओके और जैसी चीजें अच्छी खासी होगी तो यहाँ पर शेयर और ज्यादा भागता हुआ नजर आएगा और आई थिंक यहाँ पर बाई बैक की भी न्यूज है तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फिर शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कितने टारगेट आ रहे हैं तो लगभग तीन हजार तक के टारगेट आ रहे हैं थाउजेंड परसेंट के यहाँ पर रिटर्न थोड़ा सा वेट करेंगे टाइम देंगे इस शेयर को ओके तीन चार पाँच साल अगर आप यहाँ पर दे सकते हैं शेयर को और ये कंपनी इसी तरीके से याद रखिए आपको रिजल्ट भी साथ साथ देखने हैं और इसी तरीके से रिजल्ट देती रही कंपनी धीरे धीरे बढ़ती रही तो यहाँ पर ये टारगेट पूरे अचीव होते दिखाई देंगे और लॉन्ग टर्म की पिक आप के लिए बन सकती है एक आपके लिए एक बेहतरीन शेयर आपके लिए ये बन सकता है तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस